यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से न मार दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुआ शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा, किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा, शेर ने कहा। तुम यह बताओ कि वह है कहाँ। पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वो फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वो कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। सीख: घोर संकट की परिस्थितियों में भी हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भयंकर संकट से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं।